नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जन सुनवाई का आयोजन आमेट उपखंड पर आज पंचायत समिति परिषद में जन सुनवाई का आयोजन मुख्य अतिथि उमा शंकर जी शर्मा आयुक्त महोदय, राज्य आयुक्त विशेष योग्य जन, राज्य मंत्री दर्जा राजस्थान जयपुर अध्यक्षता सचिन सिंह सोलंकी, उप प्रधान पंचायत समिति आमेट और विशिष्ट अतिथि भुवनेश्वर सिंह चौहान, अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राई समंद, हजारीलाल गुर्जर प्रधान प्रतिनिधि, माधव लाल जाट जिला प्रमुख प्रतिनिधि, कैलाश जी मेवाड़ा चेयरमैन नगर पालिका आमेट, ज्ञानेंद्र सिंह चुंडावत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आमेट, जयप्रकाश चारण सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग सहित विकास अधिकारी द्वारा उद्बोधन के साथ किया गया। जन सुनवाई के दौरान आए दिव्यांगजनों को मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन में दिव्यांग आयुक्तालय से संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी दिव्यांग को किसी भी तरह की समस्या हो या उनके कार्य समय पर किए जाएं, आप संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करें। यदि विभाग द्वारा आनाकानी की जाती है तो आप मोबाइल द्वारा तुरंत सूचित करें, जिससे उनका कार्य उसी समय 15 मिनट में किया जाएगा। साथ ही आए जन सुनवाई में आए हुए प्रत्येक दिव्यांग से मिलकर उसकी समस्या का समाधान करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही महावीर सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद लोगों को मौके पर ही मुख्य अतिथि द्वारा वैसाखी व हेयरिंग मशीन वितरण की गई। जन सुनवाई में कुल 253 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनका संबंध विभाग द्वारा निस्तारण किया जाएगा। जन सुनवाई में सभी लोगों ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। मंच का संचालन श्री नारायण सिंह राव आर पी द्वारा किया गया। समझ गए? तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बातें सुनिएगा। किया हुआ है, कितने लोग जानते हैं कि आपका कमिश्नर है? हाथ खड़ा करके बताएं कि आपके स्टेट कमिश्नर के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। अब सुनिएगा, समस्याएं सुनना, उनका निदान करना, योजनाओं से लाभान्वित करना, यदि आपको कोई प्रताड़ित करता है, अभद्र भाषा में बात करता है, उन सब पे कार्रवाई करना, उसके लिए एक आयुक्तालय विशेष योग्य जन बना हुआ है दिव्यांग जनों के लिए। आज से पहले मालूम था? जोर से बताओ, हाँ ना? नहीं मालूम था ना? अब इसका फायदा क्या है, ये भी सुन लीजिए। अब आपको एक बात बताई कि हर जिले में भी है, तहसील में भी अधिकारी हैं, सरकारी ऑफिस बने हुए हैं। सरकार इतना लाखों रुपया खर्च करती है सिर्फ इसलिए इस ऑफिस को बनाया, इस कमिश्नरेट को बनाया कि राज्य में रहने वाले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तरह से ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़।